जिसे हम आज इतिहास कहते हैं शायद भविष्य में वो मिथ्या होगी, और जिसे आज हम मिथ्या कहते हैं वो किसी ज़माने में इतिहास था। वर्ष 2017 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इंडियन रिलीजन्स थ्रू दियर नैरेटिव लिटरेचर के शीर्षक वाले कोर्स में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों पर पढ़ाए जाने की खबरों ने तूल पकड़ा था। उस समय की कोर्स कोऑर्डिनेटर एनी ई मोनियस के अनुसार भारतीय महाकाव्य काफ़ी लंबे और जटिल विचारधाराओं से जुड़ा है जो मानवता के अनुभवों के हर कोण को दर्शाता है। जहां महाभारत युद्ध और उसके दुष्परिणामों पर आधारित एक महाकाव्य है, तो वहीं रामायण प्रेम की एक अनूठी गाथा है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज भी इन दोनों महाकाव्यों के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते हैं। रामायण और महाभारत जैसे प्रसिद्ध महाकाव्यों के ऐतिहासिक अस्तित्व के पक्ष और विपक्ष दोनों को ही लेकर लोग काफ़ी मुखर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आप किस वर्ग से आते हैं, पर मेरा तो यह मानना है कि रामायण और महाभारत काल्पनिक नहीं हो सकते, बल्कि ये अविश्वसनीय कथाओं का एक अविस्मरणीय चित्रण है। हजारों पात्रों से भरे महाभारत का कोई इतिहास न हो ऐसा संभव ही नहीं। ये वास्तव में दुखद है कि जिस देश में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के होने के साक्ष्य अयोध्या, मिथिला, पांचाल, कोसल, द्वारका, अंग, मगध, काशी, माद्र, चित्रकूट, किष्किंधा और कुरुक्षेत्र जैसे राज्यों में मिलते हों, फिर भी उसके अस्तित्व और सत्यता पर सवाल उठाया जाता है, उसे मात्र मिथक माना जाता है। इन्हीं साक्ष्यों की गहराई में जब मैं गया तो पाया कि महाभारत और रामायण प्राचीन भारतीय इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा है, ना कि मिथ्या। जैसा कि रामायण में राम सेतु का उल्लेख है, वो वास्तव में मानवों ने अपनी खोज में ढूंढ भी निकाला। ये उस समय संभव हुआ जब आधुनिक मानवों ने सैटेलाइट के जरिए अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीरें लेने में सफलता प्राप्त की। उस समय पूरी दुनिया के सामने ये तथ्य आया कि एक ऐसा पुल भी है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। यही नहीं, उन चार दांत वाले हाथियों के भी साक्ष्य मिले हैं जिनका सुंदरकांड में उल्लेख है। वो चार दांत वाले हाथी जिन्हें हनुमान ने रावण के महल की रक्षा करते देखा था, ये हाथी आधुनिक वैज्ञानिक गोम्फर थेड के नाम से जाने जाते हैं। यदि आपको यकीन नहीं आता तो गूगल पर सर्च करिए और इसका उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा। जिस भी भौगोलिक बिंदु का उल्लेख रामायण में है उसमें से कई अभी तक मिथ्या साबित नहीं हुए हैं, और तो और कुछ रहस्य तो ऐसे हैं जिनकी खोज अभी भी जारी है। राम सेतु की खोज इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिस पर चलकर भगवान श्री राम लंका पहुँचे थे और रावण का वध कर माता सीता को छुड़ाया था। इतिहासकार मानते हैं कि राम सेतु का निर्माण लगभग 5000 ईसा पूर्व हुआ होगा, और उस समय एक सामान्य मनुष्य के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। आप खुद सोचिए, पूरे भारत का भ्रमण करना और माता सीता कहाँ है, किस दिशा में है, इसका सटीक अनुमान लगाना क्या उस समय के एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव था? और इससे भी ज़्यादा कठिन तो उस पथ की प्रमाणिकता को साबित करने के लिए राह में मंदिरों का निर्माण करना था। यही नहीं, कई और प्रमाण सामने आए हैं जिसने सभी को आश्चर्यचकित किया है। वर्ष 1975 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बाबरी मस्जिद के पास से ऐसे 14 कसौटी पत्थरों से निर्मित स्तंभ खोज निकाले थे जिन पर कुछ ऐसे प्रतीक थे जो सिर्फ मंदिरों में ही मिलते हैं। सम्राट अशोक श्रीराम के युग से जितने समीप थे उतने हम नहीं। अशोक प्राचीन भारत के एक राजा थे। उन्होंने लुम्बिनी में स्तंभ बनवाए थे और यहाँ उन्होंने श्रीराम और गौतम बुद्ध के आगमन का बखान भी किया था। इसका मतलब तो यही निकला कि वो भी भगवान राम के अस्तित्व पर विश्वास करते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वामपंथी इतिहासकारों ने काफ़ी सारी रीतियाँ इतिहास और पुरातात्विक अवशेषों के साथ छेड़छाड़ की, इतिहास को मिटाने के प्रयास किए, उससे इतिहास मिथ्या नहीं बन जाता। इतिहासकारों ने भगवान राम से जुड़े जितने भी खोज किए उन्हें हर सवाल के जवाब मिले, और कुछ पर अभी तक शोध जारी है। जिस प्रकार जब तक गहन अनुसंधान के बाद ट्रॉय शहर की खोज नहीं हुई थी तब तक किसी ने इलियाड में यकीन नहीं किया था, उसी प्रकार जब तक राम सेतु और भगवान राम से जुड़े कुछ साक्ष्य सामने नहीं आए तब तक भगवान राम के अस्तित्व को काल्पनिक चित्रण बताया जाता रहा। आज भी भगवान राम के जन्म को लेकर कई सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन इसका जवाब भी वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला। रामायण में श्री राम की जन्मतिथि को कुछ इस प्रकार विस्तृत किया गया है। श्री राम चैत्र मास के
शुक्ल पक्ष के नवमी की तिथि को धरती पर अवतरित हुए थे। उस समय चंद्र का नक्षत्र पुनर्वास था और सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति और शुक्र क्रमशः मेष, मकर, तुला, कर्क और मीन राशि में थे। कर्क का लग्न था और बुध और चंद्र एक साथ चमक रहे थे। ये बात साबित भी हुई। प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर के अनुसार भगवान राम का जन्म 7130 वर्ष पूर्व अर्थात 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व हुआ था और उस समय 12:25 पर आकाश में वैसा ही दृश्य था जो कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। नक्षत्रों की कुछ ऐसी ही स्थितियां महाभारत में भी वर्णित हैं। जब उनका उपयोग किया गया तो पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण 21 जुलाई 3228 ईसा पूर्व को पैदा हुए थे। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि ये दोनों तिथियाँ कोई ऐसे वैसे आंकड़े तो हो नहीं सकते, क्योंकि हमें इतना तो अवश्य पता है कि श्री राम श्री कृष्ण से पहले आते हैं और केवल एक तिथि को बताने के लिए ऐसे ग्रह और लग्नों की कल्पना नहीं की जा सकती। सॉफ्टवेयर के अनुसार असल तारीखों में थोड़ा अंतर होता है, परंतु जब हम हजारों सालों की बात करते हैं तो ये अंतर इतने बड़े नहीं लगते। महाभारत के भी कई और साक्ष्य मिले जो साबित करते हैं कि ये महाकाव्य कोई मिथ्या नहीं है। हालांकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से प्रारंभ करूं। अगर आपको महाभारत पर ऐतिहासिक साक्ष्य देने की बात हो तो वो इतने हैं, इतने सारे हैं कि उस पर पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। फिर भी मैं भगवान श्री कृष्ण के राज्य द्वारका से शुरू करता हूँ। वर्ष 1983-1990 में जब तक समुद्र में द्वारका नगरी की खोज नहीं हुई थी, तब तक इसे भी वामपंथी चश्मे के अनुसार एक काल्पनिक देश माना जाता था। हजारों साल तक लोग द्वारका को एक काल्पनिक नगर मानते थे, जबकि महाभारत के अनुसार वो हजारों वर्षों तक समुद्र में दबा हुआ था। इसका पता नहीं चलता अगर समुद्र में इसकी खोज ना हुई होती। महाभारत के अनुसार एक विशाल बाढ़ में द्वारका डूब गया था और हमने 1983 तक समुद्र के अंदर खोजने की मेहनत भी नहीं की। हालांकि ये केवल द्वारका की बात नहीं है। महाभारत में ऐसे 35 जगह अंकित हैं जिन्हें पुरातत्व विशेषज्ञों ने काफी मेहनत के बाद खोज निकाला। इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर और महाभारत में वर्णित बाकी जितने शहर बताए गए हैं वो आज भी फल फूल रहे हैं। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने लिखा था कि चंद्रगुप्त श्री कृष्ण के वंश में 138वें सम्राट थे। फिर वर्णन आता है उस क्षेत्र का जिसके बारे में कुछ ऐसी पंक्तियां लिखी हुई हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतान युयुत्व माम का पांडवाश्चैव किं कुर्वत् किन संजय। अर्थात कुरुक्षेत्र का, जहाँ पर महाभारत का विशाल धर्म युद्ध लड़ा गया था। हालांकि युद्ध की तिथि को लेकर कई मतभेद हैं, पर आज भी कई इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध संभवतः 3102 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध के प्रमाण तब भी मिले थे जब कुरुक्षेत्र में खुदाई के दौरान लोहे के भाले और तीर निकले थे, जिन्हें थर्मोल्यूमिनेंस परीक्षण के जरिए 3100 ईसा पूर्व के समय का बताया गया था, जो कुरुक्षेत्र में हुए महायुद्ध को लेकर बताई गई तिथि के बिल्कुल आसपास है। आपको ये जानकर और भी ज़्यादा आश्चर्य होने वाला है कि रामायण और महाभारत, विशेषकर महाभारत के समय में भी परमाणु बम हुआ करते थे। मैं जानता हूँ आपको यह हास्यास्पद लग रहा होगा, आपको हंसी आ रही होगी और आपको शायद वीडियो बंद करने का भी मन हो रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि ये कोई धर्मांध व्यक्ति है जो अपने धर्म को सिद्ध करने के लिए कुछ भी बोले जा रहा है, लेकिन कृपया थोड़ी देर तक मेरे साथ बने रहिए। महाभारत में ब्रह्मास्त्र का विवरण कुछ इस प्रकार है। 10,000 सूर्यों के बराबर आग और धुएं का धधकता गोला अपने पूरे गौरव में ऊपर चढ़ा। ये एक अपरिचित अस्त्र था, एक लोहे के वज्र के समान था, मृत्यु का एक विशाल दूत था जिसने वृषणी और अंधकों के समूचे वंश का विनाश कर दिया। लाशें इस तरह जल गईं कि उन्हें पहचानना असंभव हो गया। इसका पता तब चला जब कुरुक्षेत्र में एक खुदाई के दौरान ऐसे पत्थर मिले जो हजारों साल पहले रेडियो एक्टिव एनर्जी के संपर्क में थे। आज हम सभी मौर्य, गुप्त और ऐसी अन्य प्राचीन वंशों को इसलिए स्वीकारते हैं क्योंकि यह यूनानी इतिहास के समकालीन था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूनानियों से पहले हमारा कोई इतिहास नहीं था? क्या हमें अपने इतिहास पर केवल इसलिए विश्वास नहीं होगा क्योंकि आधी दुनिया उस समय पढ़ना या लिखना नहीं जानती थी? 400 वर्ष पहले हमें महाभारत और रामायण में विश्वास करने में कोई परेशानी नहीं थी, पर लगभग 250 वर्षों के गुलामी, वामपंथी विचारधारा और विषैले पुस्तकों ने हमें अपनी ही इतिहास को और उसकी सार्थकता पर प्रश्न उठाने के लिए विवश कर दिया।
दुर्भाग्यवश भारत में हम आज भी इसी बात पर बहस करते हैं कि क्या रामायण या महाभारत सच में हुए थे, परंतु हम रामायण या महाभारत से जुड़े सच को ढूंढने का प्रयास नहीं करते। अब समय बदल चुका है और अब वामपंथी इतिहासकार भी भयभीत हैं। यदि असली साक्ष्य सभी के समक्ष आ गया तो उनके वर्षों से गढ़े हुए झूठ का भांडा फूट जाएगा। भले ही आज पुरातत्व विभाग की खोज पूरी न हुई हो, परंतु अभी तक के जो साक्ष्य और प्रमाण सामने आए हैं उससे साफ है कि कोई कितने भी प्रयास क्यों न कर ले, कितने भी कुतर्क क्यों न गढ़ ले, वो इतिहास को झुठला नहीं सकता। अंततः जैसा मैंने पहले कहा था, पुरातत्व के साक्ष्यों के अभाव का अर्थ यह नहीं है कि महाभारत और रामायण से जुड़े इतिहास का कोई अस्तित्व ही नहीं। वास्तव में रामायण और महाभारत कोई मिथ्या नहीं, बल्कि इतिहास था जो सच में इसी देश में, इसी भारतवर्ष में हुआ था। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।